गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बुलंदशहर के ब्लॉक शिकारपुर में स्थित ढलना गांव पड़ा। वर्तमान में गांव के प्रधान सुखवीर सिंह हैं। लगभग 4200 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गाँव की दूरी मात्र 10 किलोमीटर ही है। लगभग 1300 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसित है। गाँव में लगभग 300 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी स्कूल में लगभग 72 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 28 हैंडपंप गांव के प्रधान द्वारा लगवाए गए हैं तथा 4 हैंडपंप सरकार से और लगवाने की मांग है। साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 70 विद्युत पोल, 3 विद्युत ट्रांसफार्मर व 16 लाइटें भी गाँव में लगवाई गयी है। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 आवास, स्कूल में शौचालय, बस स्वच्छ भारत मिशन के तहत 25 शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, शमशान घाट, स्वास्थ्य केंद्र, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। प्रधान सुखवीर सिंह, मैं उनका भतीजा बोल रहा हूँ, ब्लॉक शिकारपुर, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। कार्य हमारा बिल्कुल प्रगति पे है, अच्छे कार्य चल रहे हैं और स्कूल की बाउंड्री कराई जा रही है। हमारी मांग ये है कि हमें गांव में सीसी रोड की आवश्यकता है। हमारी जो जाटा बस्ती है, एससी बस्ती है, उसमें सीसी रोड नहीं हो पाई। जो खरंजा वगैरह कराएं वो ठीक ठाक काम चल रहा है। ग्राम प्रधान सुखवीर सिंह, विकास खंड शिकारपुर, जिला बुलंदशहर और 5 खरंजा मैं लगवाएं में। और स्कूल की बाउंड्री का कार्य चल रहा है। 3 समर लगवा रहा हूँ और 25 शौचालय बनवा दिए। हाँ और साहब, है कोई दिक्कत नहीं।